आपको जीएसटी से रिलेटेड थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, आपके डीप में नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आपने जीएसटी सुना ही होगा यार, कुछ भी परचेज करते हैं, सेल करते हैं तो जीएसटी लगता ही लगता है। ठीक है, ओके, तो देखो। अच्छा चलो भाई, देखो हम बात कर रहे हैं जीएसटी, इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स? ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे समझना, ये गवर्नमेंट है, ये टैक्स जो होता है ना, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी टैक्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए इनकम होते हैं ना। गवर्नमेंट, हमको लगता है कि गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा है, तब ये एयरपोर्ट बनाती है, आर्मी का संचालन करती है, पुलिस स्टेशन चलाती है, पूरा प्रशासन का काम करती है, रोडे बनाती है ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करती है ना, तो वो गवर्नमेंट कैसे पैसा खर्च करती होगी? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के पास भी पैसा छापने की मशीन है, आरबीआई के पास में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, और पैसे छापते जाओ खर्च करते जाओ? बेटा ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है ना, हाँ, तो उसकी इनकम कहाँ से आती है? उसकी इनकम आती है टैक्सेस से। गवर्नमेंट के इनकम के सोर्स जो है वो टैक्स है। जो भी गवर्नमेंट हम सेलेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, तो वहाँ जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, और उस पैसे को टैक्स के नाम की जो इनकम है उसको वापस पब्लिक की सेवा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंट्री के लिए वो खर्च करती है, डेवलपमेंट के लिए खर्च करती है। तो गवर्नमेंट एक मीडिएटर है जिसको पब्लिक ने चुन लिया है, अब उसका काम है पब्लिक से टैक्स लेना, वापस पब्लिक पे खर्च करना, सिंपल इतना ही रोल होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, ओके, सो ये गवर्नमेंट के लिए जो टैक्सेस होते हैं वो एक तरह का इनकम होता है। तो मान लेते हैं ये गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स किससे लेगी? गवर्नमेंट टैक्स लेगी कंज्यूमर से, पब्लिक से, क्योंकि ये टैक्स का नाम देखो क्या है, ये पब्लिक है मान लेते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विस पे लगता है। तो अब ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे वो बताता हूं, देखो। ठीक है, ये पब्लिक है, और पब्लिक में से ये दो मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दो कंज्यूमर है, चीजों को कंज्यूम करते हैं। अब इनको कंज्यूम कौन करेगा, कोई बिजनेस, इनको सेल कौन करेगा, ये बिजनेस है। अब ये बिजनेस क्या करता है, इनको गुड सेल करता है, सेल करता है। अब सेल प्राइस है 100 और उसमें 10 रुपये का जीएसटी ले लिया एग्जांपल के लिए, या 18 रुपये का ले लो, 18 रुपये का, तो 100 रुपीज़ का गुड सेल किया, 18 रुपये किसके लिए लिए, जीएसटी के लिए लिए, सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़, तो सेल किया 118 रुपये में, और यहां से कितने आ गए 118। अब इसमें से बिजनेस के खुद के पैसे कितने हैं 100 रुपये, और 18 रुपये जो है वो बिजनेस किसको जमा करा देगा, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने ये टैक्स किससे वसूल किया, बिजनेस से? नो, बिजनेस तो एक मीडिएटर है, ये टैक्स वसूल किया है किसे, कंज्यूमर से। लेकिन क्या कंज्यूमर से डायरेक्ट मांगे, कभी आपके घर पे गवर्नमेंट आई आपसे पैसा लेने के लिए? लेकिन आप हर रोज गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं ना, कुछ भी, उसके ऊपर आप सिर्फ सेलिंग प्राइस तो देते ही देते हैं, जीएसटी का भी पैसा देते हैं, और जीएसटी का पैसा ये नहीं रखता, ये सीधा गवर्नमेंट को जमा करा देता है, इसकी ड्यूटी है। तो देखो ना, आप 100 रुपए की चीज बेची पर 18 रुपए जीएसटी जोड़ के कितने में बेचा, 118 में, पब्लिक से या कंज्यूमर से 118 रुपए लिए, 100 रुपए अपने रख लिए और 18 रुपए वापस गवर्नमेंट को जमा करा दिए। तो इसका तो यही है ना, 100 रुपए की चीज है, 100 में बेची, 100 रुपए आगे खत्म, 18 रुपीज जो ऊपर लिए वो गवर्नमेंट को जमा करा दिए। तो गवर्नमेंट यहां पर कंज्यूमर से, पब्लिक से टैक्स तो ले रही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं ले रही है, इनडायरेक्टली ले रही है, आपको पता ही नहीं चलता। इनडायरेक्टली मतलब ये होता ना, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन आप कभी ना कभी टैक्स गवर्नमेंट को, जीएसटी जमा कराते ही कराते, कुछ भी परचेज करते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है, आया समझ में? तो ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बताया। अब जीएसटी की हम जनरल एंट्री करने वाले, अब जनरल एंट्री कौन करता है, क्या हम करते हैं? कभी नहीं। जनरल एंट्री कौन करता है, हिसाब किताब कौन करता है? बिजनेस। तो कोई भी व्यापार जो है, कोई भी बिजनेस जो है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, वो जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्री करती है, और क्या ट्रीटमेंट होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, ये तो बताया मैंने जीएसटी है क्या, डिटेल में और जा सकते हैं, लेकिन इतना सिलेबस में ही नहीं है, हमारे सिलेबस में ओनली जनरल एंट्री है, तो मैं उस पर फोकस करूंगा। अब समझना बेटा, ये है बिजनेस, अच्छे से समझना, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये बिजनेस क्या करता है, यहां से गुड्स परचेज करता है, मार्केट से गुड्स परचेज करता है। ठीक है, एक दूसरी कोई कंपनी है, उस कंपनी से ये क्या किया, गुड्स परचेज किया। क्यों? क्योंकि ये गुड्स परचेज करेगा और उसके बाद आगे जाके क्या करेगा, सेल करेगा। गुड्स को मतलब ये होता है, और इसमें सर्विस भी हो सकता है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए गुड्स ले रहा हूं कि गुड्स परचेज करता है, सेल करता है, ये ट्रेडिंग का बिजनेस होता है। ठीक है, ओके, और इसकी हम जनरल एंट्रियां करते थे। तो इसने क्या किया, यहां से कुछ परचेज किया गुड्स, क्या किया, गुड्स परचेज। अच्छा, गुड्स कितने में परचेज किया, कितने का किया, गुड्स की जो परचेज प्राइस है वो तो है 1000 रुपए, और उस पर जीएसटी जो लगा वो लगा मान लेते हैं 18 रुपए।
ठीक है, समझ में आ गया। 18 रुपए उसके ऊपर क्या लग गया, जीएसटी लग गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1000 रुपए को गुड्स परचेज किया, 18 रुपए या 180 कर लेते हैं, ठीक है, मैं 100 कर लेता हूं, सबसे बढ़िया ये रहेगा। 100 रुपीज का गुड्स परचेज किया, 18 रुपीज का जीएसटी, तो टोटल कितने आ गए, 118 रुपए आ गए। मतलब 100 रुपीज का गुड्स आया, लेकिन उसके बदले में इसने पे कितने किए, 118। अब ये 118 किस चीज के पे किए, 100 रुपीज तो परचेज प्राइस हो गया, और 18 रुपए किसके पे कर दिए, जीएसटी के, तो टोटल कितना पेमेंट कर दिया, 118 रुपए का, ठीक है, गुड्स परचेज किया और उसके बदले में ये पेमेंट किया इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब यहां पर ये गुड्स परचेज करने के बाद में उसको यूज तो करेगा नहीं, कंज्यूम तो करेगा नहीं, नहीं तो ये क्या करेगा, उस गुड्स को सेल करेगा। अब समझना ध्यान से कॉन्सेप्ट, ये क्या करेगा, गुड्स को सेल करेगा, सेल करेगा किसको, कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर जो होते हैं उनको, गुड्स को क्या कर देगा, सेल। तो यहां पर किया गुड्स को, गुड इसने कर दिया सेल, गुड सेल करने के बदले में इसके पास कितने रुपए आए, अब देखना, ठीक है, इसके पास कितने रुपए आए, तो सेलिंग प्राइस इसकी थी, सेल्स प्राइस वो थी इसकी, मान लेते हैं 200 रुपए, 150 रुपए कुछ भी मान लो यार, 200 रुपए, और उस पर जीएसटी लगा, एड जीएसटी 18%। अब 200 का 18% होता है 36 रुपए, तो टोटल यहां कितना हो गया, 236 रुपए। तो इसके पास कितने आए, 236 रुपए, कितने आए, 236 रुपए। क्या 236 रुपए पूरे इसके हैं, नहीं, इसके इसमें से कितने हैं, 200 रुपीज इसके खुद के हैं, 36 रुपीज जो जीएसटी है, हाँ वो क्या करना है, गवर्नमेंट को जमा कराना, मैंने पहले बोला, क्योंकि इनसे लेना है और गवर्नमेंट को 36 रुपए जमा कराने हैं, हाँ जमा कराने वाले ही थे, तब फिर इसने बोला भाई 36 रुपए मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊं किसके, जीएसटी के, क्योंकि यहां से मैंने लिए, साफ साफ समझ में आ रहा है, बट मैं पहले कुछ जमा करा चुका हूं गवर्नमेंट को, देखो कितने, 18 रुपए। कब जमा कराए थे ये 18 रुपए, ये किसको जमा कराए, किसको मतलब नहीं, इस कंपनी को दे दिए थे, और इस कंपनी ने आगे किसको जमा करा दिए होंगे, गवर्नमेंट को जमा करा दिए होंगे। जब गुड्स परचेज किया था तो कितने में परचेज किया था, 118 में, इसमें 100 रुपीज परचेज प्राइस थी और 18 रुपए किसके थे, जीएसटी के, वो जीएसटी के किसने दिए थे, इस बिजनेस ने अपनी जेब से दिए थे, किसको दिए, इस कंपनी को 18, और इस कंपनी ने क्या किया होगा, गवर्नमेंट को जमा करा दिए होंगे। तो ये जो बिजनेस है ये बोल रहा है कि यहां से मुझे 36 रुपीज जीएसटी के मिले ना, वो मैं गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए तैयार हूं, बट कुछ पैसा मैंने गवर्नमेंट को पहले जमा करा दिया था जब गुड्स परचेज किया था 18। इसका मतलब 36 में से लेस कर दो जो ऑलरेडी जमा करा दिया जीएसटी, वो कितना है 18, तो वो तो ऑलरेडी जमा करा दिए, तो अब कितना पेबल है, अब पेबल है 18 रुपीज। अब जो ये वाली जीएसटी है ना, इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और ये वाली जीएसटी जो है ना, इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। अब मैं बताता हूं, यहां देखो, जब परचेज करते हैं ना तब जो जीएसटी लगती है उसको कौन सी बोलते हैं, इनपुट, और जब सेल करते हैं उस पर जो जीएसटी लगती है ना उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो दो तरह की है ना, समझ में आया, देखो दो तरह की जीएसटी है, एक आउटपुट जीएसटी और एक इनपुट जीएसटी, और एंड में कितना पेमेंट करना है वो कैसे आएगा, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी लेस कर दो। अब इसका मतलब क्या, आउटपुट मतलब सेल के ऊपर, आउटपुट में गुड्स आउट होता है ना, आउटपुट, आउटपुट गुड्स आउट होता है ना, तो गुड्स आउट कब होता है, जब सेल करते हैं, तो सेल पे जो जीएसटी लगती है उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, और परचेज पे जो जीएसटी लगती है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी लेस कर देंगे ना, तो पता चल जाएगा कितना पेमेंट करना है अब गवर्नमेंट को, ये बिजनेस, समझ में आया। दो तरह की जीएसटी होती है, तो आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी, यानी कि सेल पे जो जीएसटी लगा है उसमें से परचेज पे जीएसटी जो पे कर दिया वो लेस कर दो, तो पता चल जाएगा अब और कितना पेमेंट करना है। ओके, ये कॉन्सेप्ट है इनपुट और आउटपुट जीएसटी का, जो आगे काम आएगा आपके, बताइए। अब देखो बेटा आगे क्या है, जो ये जीएसटी होते हैं, हाँ ये जीएसटी दो टाइप के होते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। जैसे किसी गुड्स पर 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है, ओके 18% जीएसटी लगता है, चाहे परचेज करो चाहे सेल करो, ऐसा कोई गुड्स है, ठीक है, जैसे अपना एजुकेशन है इस पर भी 18% लगता है, ठीक। तो अब यहां पर 18% जो जीएसटी लग रहा है ना, ये जीएसटी दो गवर्नमेंट के पास जाता है। आपको पता है अपने यहाँ पर दो गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, हर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे इंडिया पे एक ही होती है। तो यहां पर क्या होता है, दो तरह की जीएसटी हो जाती है, एक हो जाती है सीजीएसटी और एक हो जाती है एसजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
तो ये है सी, कौन कौन सी जीएसटी बताई, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये इनकी फुल फॉर्म हो गई। अब देखो 18% जीएसटी लगना है, मान ले रहे 100 रुपए का गुड्स है, उसका 18% कितना हो गया 18 रुपए, तो 18 रुपए गवर्नमेंट को जाने हैं। हाँ, तो कौन सी गवर्नमेंट को जाने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, किसको जाने हैं? तो भैया इसमें से 9% इसका, 9% इसका, तभी मिलकर 18% हुआ है, तो यानी कि 9 रुपए इसको जाएंगे और 9 रुपए इसको जाएंगे। अब अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ये कौन सी जीएसटी हो जाएगी, अगर गुड्स परचेज करेंगे तो, अगर गुड्स परचेज करते हैं तो कौन सी जीएसटी होती है, मैंने बताया था ना आपको अभी, इनपुट जीएसटी, एक बिजनेस के लिए है ना, तो इनपुट जीएसटी बोलते हैं। अब इनपुट में भी दो जीएसटी हो गई, एक तो इनपुट एसजीएसटी और एक इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, 9 रुपये 9 रुपये, समझे? और अगर सेल करेंगे तो, अगर गुड्स को सेल करें तो वहां पर भी दो जीएसटी हो जाएगी, एक हो जाएगी आउटपुट सीजीएसटी और एक आउटपुट एसजीएसटी, सिंपल। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दो चीजें हैं, मतलब जो 18 रुपए जीएसटी का पैसा है वो एक गवर्नमेंट को नहीं जाता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है तो सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट को जाता है तो एसजीएसटी। अब अगर यहां पर अगर परचेज कर रहे हैं तो दोनों के आगे इनपुट लग जाएगा और सेल कर रहे हैं तो दोनों के आगे आउटपुट लग जाएगा, बस सिंपल। ओके, ठीक। अब एक चीज और बताता हूं, ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है, जब सेल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड परचेज होता है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा ये वाला पॉइंट, एक ही स्टेट के अंदर जब परचेज भी हो और क्या हो, सेल भी हो। जैसे राजस्थान के अंदर ही कोई बिजनेसमैन सेल और परचेज कर रहा है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, परचेज करेगा तो इनपुट और सेल करेगा तो आउटपुट। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है, जब एक ही स्टेट के अंदर परचेज और सेल करें, बिहार में बैठा बिजनेसमैन बिहार में ही सेल और परचेज कर रहा है तो उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, परचेज करेगा तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और सेल करेगा तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके, सिंपल। लेकिन अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल और परचेज करे, तो बिहार का व्यापारी राजस्थान को सेल परचेज कर रहा है, राजस्थान वाला बिहार को सेल परचेज कर रहा है, तो उस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, उस केस में लगता है आईजीएसटी। क्या लगता है? आईजीएसटी। ओके, देखो, व्हेन परचेज एंड सेल आउटसाइड स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, जैसे राजस्थान से गुजरात या बिहार, कुछ भी मान लो, इस केस में जो जीएसटी लगेगा उसको बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी में भी दो हो सकते हैं, इनपुट जीएसटी भी हो सकता है और आउटपुट जीएसटी भी हो सकता है। इनपुट कब होगा? जब परचेज का मामला होगा। और आउटपुट कब होगा? जब सेल्स का मामला होगा। ठीक है, जनरलाइज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब यहां पर कुछ ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम विजय ₹1,00,000, एसजीएसटी 9% एंड सीजीएसटी 9%। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक सेल वाली भी करा देता हूं, गुड्स सोल्ड रुपीज, मान लेते हैं कैश में सेल कर लेते हैं, 1,50,000, ठीक है, और एसजीएसटी 9% एंड सीजीएसटी 9%। अब सेल की एंट्री करते हैं, देखो बेटा मैं जनरल का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, डेट पर्टिकुलर वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्ट एंट्री करा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री देखो, सबसे पहले गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, आपको पता ही है परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, यस, ठीक है, और टू विजय, विजय कौन है, गिवर, ठीक है, ये तो हम पहले कर चुके हैं, विजय अकाउंट। लेकिन गुड्स कितने का परचेज कर रहे हैं, 1,00,000 रुपीज का, ठीक है, लेकिन विजय के, विजय से क्या 1,00,000 रुपीज ही लेने हैं हमको? नहीं, टैक्स का पैसा भी तो विजय से लेके किसको देना है, गवर्नमेंट को, है ना, तो टैक्स का पैसा कितना लेना है, 1,00,000 का 9% 9,000, 1,00,000 का 9% 9,000, तो एक तो लेना हमको एसजीएसटी का, एक लेना सीजीएसटी का, और ये कर रहे हैं हम परचेज, और परचेज के टाइम ये दोनों जो एसजीएसटी और सीजीएसटी होते हैं वो कौन से होते हैं, इनपुट वाले, तो यानी कि ये इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट और इनपुट सी जी एस टी अकाउंट,
तो ये डेबिट होंगे। अब डेबिट क्यों होंगे वो भी बताऊंगा, एक मिनट रुको। होगा कितना, 1,09,000, 1,09,000 कितना हो गया, 9,000 रुपये। हाँ, तो 9,000, 9,000। तो टोटल विजय से कितने लेने हैं, विजय से लेने 1,00,000 रुपये परचेज प्राइस जो है, और विजय को देने हैं, लेने क्या, सॉरी, गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, तो विजय को देने हैं, सॉरी आप विजय से लेने थोड़ी है, विजय को देने हैं, सेल थोड़ी कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो 1,00,000 रुपये का परचेज किया गुड्स, और विजय को 1,00,000 रुपये तो गुड्स के देने हैं हमको, 9,000 रुपये एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स देना है, तो विजय को टोटल देना हमको 1,18,000 रुपीज। और विजय उसमें से क्या करेगा, 18,000 रुपये कहाँ जमा करा देगा, गवर्नमेंट को जमा करा देगा। ये सिंपल है, ओके। बट ये दोनों डेबिट क्यों हुआ, ये डेबिट इसलिए हुआ कि ये दोनों हमारी एसेट है, हमारी एसेट है, और एसेट ऑलवेज डेबिट होती है। हाँ जी, ये दोनों हमारे लिए एसेट है। अब आप बोलोगे सर एसेट कैसे हो गई, ये तो एसेट इसलिए हो गई क्योंकि ये जो अभी हम गवर्नमेंट को एडवांस में पैसा दे रहे हैं 18,000 रुपये का, बाद में हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। कवर करेंगे मतलब जब गवर्नमेंट को पैसे देने की बारी आएगी ना, तो उसको काट लेंगे। एसेट इसलिए भी है क्योंकि ये जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, इसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे, इसको बेचेंगे आगे, इसको हम आगे बेचेंगे, और अभी तक बेचा नहीं है, और गवर्नमेंट को हमने पहले से ही जीएसटी पे कर दिया, 9,18,000 रुपये का एडवांस में जीएसटी पे कर दिया। तो ये हमारे लिए एसेट है, पहला। दूसरा आप समझ सकते हो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। अगर एसेट वाला मामला समझ में नहीं आ रहा तो एक्सपेंडिचर समझ लो, खर्चा है। खर्चा क्यों है, क्योंकि देखो भाई 1,00,000 रुपये का गुड्स का खर्चा, 9,000 रुपये जीएसटी दिया, 9,000 एक जीएसटी दिया, तो टोटल 1,18,000 रुपये का खर्चा हो गया ना, और एक्सपेंडिचर नॉमिनल रूल के हिसाब से क्या होता है, डेबिट। तो वैसे भी समझ सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, ठीक। अब यहां देखो सेकंड नंबर में क्या होगा, गुड्स सोल्ड रुपीज 1,50,000, गुड्स कितने में बेचा, 1,50,000, और इस बार किसी का नाम नहीं है तो कैश बेचा, तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो टू सेल्स। अच्छा, सेल्स प्राइस तो पता है, ये रही 1,50,000, लेकिन हम 1,50,000 रुपये का गुड्स जिसको भी बेच रहे हैं, क्या हम उससे केवल 1,50,000 लेंगे, नहीं, उससे टैक्स का पैसा भी लेना है, और पैसा आएगा हमारे लिए, तो खर्चा नहीं, इस बार इनकम है, परचेज के टाइम टैक्स गया था तो खर्चा मान लो, और यहां पर पैसा आएगा, है ना, सामने वाला सेल प्राइस भी देगा और जीएसटी का पैसा देगा जिसको हमको गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो इसलिए हमारी इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट, या हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्योंकि गवर्नमेंट को देना है, तो इनकम और लाइबिलिटी दोनों ही क्रेडिट होता है, जो मानना वो मानो, तो यहां आ जाएगा टू, और सेल्स पे क्या लगता है, आउटपुट, आउटपुट एसजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी। अब 1,50,000 का निकाल दो 9%, कितना हो जाएगा ये, 13,500, तो 13,500 एक आएंगे हमारे पास, 13,500 एक आएंगे, ठीक है। कौन है भाई, सो ये कितना हो गया, टोटल हमारे पास कितने आएंगे, 1,77,000। तो जब परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी जो परचेज पे लगता है वो डेबिट होता है, सेल के टाइम जो आउटपुट जीएसटी होता है वो क्रेडिट होता है, उसकी वजह दो है, ये एसेट होता है इसलिए डेबिट, ये लायबिलिटी होता है इसलिए क्रेडिट, ये खर्चा है इसलिए डेबिट, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट, जो समझना है समझ सकते हो। हाँ, अब गवर्नमेंट को पेमेंट कितना करना है वो समझना, तो उसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कि नेट पेबल कितना है, नेट पेबल, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप आउटपुट जीएसटी ले लो, आउटपुट पहले सीजीएसटी निकाल देते हैं, एसजीएसटी निकाल देते हैं, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो देखो भाई, आउटपुट एसजीएसटी कितना है, आउटपुट एसजीएसटी ये रहा, देखा ये रहा कितना है, 13,500, और इनपुट एसजीएसटी कितना है, ये रहा इनपुट एसजीएसटी 9,000। तो अभी कितना और नेट पेबल है, तो 13,500 माइनस 9,000, तो स्टेट गवर्नमेंट को हमको अभी और देने हैं 4,500 रुपये। अब इसका मतलब पता है क्या है, कि देखो 13,500 हमको मिले जब हमने सेल किया, ठीक है, उसमें से जब हमने परचेज किया तब 9,000 पेमेंट पहले ही कर दिया है, तो 4,500 का पेमेंट और करना है गवर्नमेंट को, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। ऐसे कैसे आप, ये तो आउटपुट हो गया और एसजीएसटी हो गया, ऐसे कैसे सीजीएसटी भी निकाल सकते हैं, नेट पेबल कितना, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस एसजीएसटी की जगह सीजीएसटी हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को देना है, और तो आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी कितना है, ये रहा यहाँ पर 13,500 आउटपुट वाला, और ऊपर इनपुट वाला भी पड़ा है वो 9,000, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमको कितने देने हैं, 4,500 हमको, मतलब उस बिजनेसमैन को,